हर सेवी हर चंडीमा खंडी बाकु दुर्गति मंगीछु वालुका शैले शुभासरव दीप्ति पांडव प्रियाग खांडव बने करुछ खेला सगर पखाड़े चरणे दे लहरीमाला अग्रे नीलांचल नायक मुक्तिदायक जेहू दक्षिणे रखिछु सगर दीप्ति कोटिए राहु बामे चंडेश्वर ईश्वर काम दरप दला पृष्ठे झाऊबण गहण सत्य अस्त्र रखला नीरस शुष्क बालुकारे फुटि लोटई फुल महिमा शुणिले दिनकरे एक कापेटी क्षुद्र लुगा बेपारी नेउथिला अच्छा साड़ी खांटी बरम पुरी निजेता पुटुली खोलिलु हो आनंद तोषे मागिला बेपारी पैसा आज्ञा देलु हरसे जाओरे कापेटी पुरी तु जही जेगज हुई रामचंद्र देव मोहर पूरा पियर हुई मागिने कु तोर पैसा जाओ दुख नकरी ने आज्ञा पुरी चलला क्षुद्र लुगा बेपारी। स्वागत है दोस्तों आपका चैनल खा पी चल पे। आज जो मेरा ब्लॉग है हम आज घूमने के लिए आए हैं पुरी से 22 किलोमीटर की दूरी में बाली हरचंडी टेम्पल जो बहुत ही फेमस है पुरी में और इसके जो स्टोरी है आपको मैं बताने वाला हूँ आज मेरा ब्लॉग में। आज चलिए मेरा देखते हैं आज का मेरा ब्लॉग खा पी चल का ब्लॉग नंबर। आज के ब्लॉग में माँ बाली हरचंडी के बारे में बहुत ही उनका स्टोरी है जो कैसे वो विराजमान हुए थे कैसे वो आए थे तो उसके बारे में बहुत ही अच्छा स्टोरी है। इसलिए आपको मेरा ये जो ब्लॉग है पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा पूरा रोमांचक स्टोरी है जानने के लिए। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये जो बेल बटन है उसको क्लिक कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों लगभग 17 किलोमीटर के बाद हम लोग काठुआ रेडी छक जो है उसके से लेफ्ट ला जाना पड़ेगा हमको बाली हरचंडी के लिए। और इधर से 5 किलोमीटर है आपका जो हमारा जो मंदिर है माँ की दर्शन करने के लिए बाली हरचंडी तो उधर के लिए इधर से 5 किलोमीटर है। दोस्तों आज जो मौसम है बहुत ही ख़राब था क्योंकि जो साइक्लोन गुलाब है वो उड़ीसा दे के जा रहा है तो इसीलिए थोड़ा बहुत बारिश है और हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है। फिर भी हम लोग को थोड़ा टाइम मिला तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और इसके बीच में हम लोग के लिए एक अच्छा बात है कि हम जब जा रहे हैं तब बारिश नहीं है लेकिन देख सकते हैं आप बारिश हो चुका है बहुत ज़ोर शोर से इधर। दोस्तों पुरी से आपको बाली हरचंडी तक रास्ता आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा मतलब इतना ख़राब रास्ता कहीं पे आपको नहीं मिलेगा तो आप आराम से आ सकते हैं कार और इधर तक आ सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा जब भी आप काठवा रेडी चौक से थोड़ा रास्ता पतला है लेकिन अच्छा रास्ता है आपको आ सकते हैं। दोस्तों हम लोग आके पहुँच गए माँ बाली हरचंडी टेम्पल और यहाँ पर पार्किंग के लिए भी बंदोबस्त है और बहुत सारे दुकान है। चलिए देखते हैं। दोस्तों ये जो मैं आज जो मेरा ब्लॉग है ब्लॉग नंबर 14 माँ बाली हरचंडी के बारे में मैं आपको बोल रहा हूँ तो ये जो पेड़ है पीछे इसी पेड़ के नीचे पहले माँ जो थे तो उनका जो स्टोरी स्टार्ट हो रहा है कि पास में हमारा जो सी बीच है जो समंदर है इस पास में तो उधर एक बिजनेसमैन जो साड़ी का बिजनेस कर रहा था तो वो इसी जगह दे के जा रहा था तभी उनका नौका जो है वो बंद हो गया था। तभी वो भगवान को बुलाया था कि कोई भगवान है तो मुझे आप हेल्प करो कि मेरा नौका चले मैं मेरा जो रास्ते में अटका हुआ हूँ तो मुझे जाने के लिए कुछ सहारा दे भगवान को बुलाया। तभी माँ ने उनको स्वप्नादेश दिए थे कि मैं इधर इसी पेड़ के नीचे हूँ और मुझे एक साड़ी दो और जो इसका जो पैसा है वो पुरी का जो राजा है उनको उनसे ले लेना है। राजा थे वो इधर आए थे और माँ को माँ भी उनको स्वप्नादेश दिए थे कि मैं इसी पेड़ के नीचे हूँ फिर उनके लिए मंदिर बनाए थे तब से इधर माँ विराजमान है इधर से पूजा पा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आगे का स्टोरी आपको मंदिर के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों
ये पेड़ है जहाँ पे माँ पहले विराजमान थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। बाद में राजा इधर मंदिर निर्माण किए और अभी माँ मंदिर में विराजमान। दोस्तों यहाँ पे जो नदी है और नदी के सामने माँ का मंदिर है, और इधर बहुत सारे भक्त जो इस राज्य उड़ीसा से बाहर भी आते हैं, जैसे अंडमान, आंध्र प्रदेश, और ख़ास करके बहुत सारे मत्स्यजीवी जो है वो आते हैं माँ के पास, मन्नत रखते रहते हैं। बाली और चंडी मंदिर हूँ एक तंत्र पीठ जे कि एठिक बहुत मानने बहुत भक्त एठिक आसती, आंडामान, बिल्लाई, आंध्र प्रदेश, बरुआ, डकुरु, इच्छापुर, काउटी, कुपस्कुति, गोपालपुर, कोलकाता और मैंने पूरीवासी मैंने ये बहुत अधिक। माँ को ऐसे मानते हैं ना जो जल के जो द्वारा होने वाला विपत्ति से माँ रक्षा करते हैं, तो इसीलिए मैं आपको इसे बताया कि बहुत सारे मत्स्यजीवी इधर आते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। आम मार जो मुख्य विशेषत्व हूँ जलर रक्षाकर्ता, ये बेसिक आमर एवे सीना नगद मे मस बना अक्टोबर सेप्टेम्बर अक्टोबर प्राय बना हुए ना, या पूर्व माँ को मागणा कर भोगराग कर शरणापन्न माँ को अनुरोध कर जाती बना बातर आम सुरक्षा दिए भाद्र मसरे ये माँ का शरणापन्न हो आसीन कार्तिक रेम सुरक्षा पाइबे से कथा जन जाते। दोस्तों माँ के सबसे पसंदीदा प्रसाद है जो भोग होता है वो है माछ बेसर, जो मछली से बनता है प्रसाद। माँ का प्रिय भोग होला माछ बेसर। दोस्तों माँ के पास 365 दिन से 365 दिन 365 डेज माँ के पास मछली का जो है प्रसाद चढ़ता है, यहाँ पे मछली का ही भोग चढ़ा होता है इधर। माँ प्रिय होची माछ 365 दिन एबे भी की प्रकार बनिया बात्या मत्स्यजीवी मान को संकेत दिया होची समुद्र को जीवन नई की जीवन से जेमिति हेले ता पई धरिक आनी देबे। मंदिर घूमने में पता चला कि आगे में तो बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन मंदिर का जो बैक साइड है इसमें बहुत ही जैसे ठीक से बना नहीं है, तो शायद सरकार इसको जरूर ध्यान देंगे इसके प्रति। और ये वाला जो जगह है बहुत कचरा पड़ा है इधर, ये सब साफ़ सुथरा और इसको थोड़ा बनाने में ज़रूर प्रयास करेंगे, क्योंकि इधर टूरिस्ट बहुत आते हैं और ये बहुत बड़ा टूरिस्ट एरिया है। और ये जो लोकेशन देख रहे हैं ना, मंदिर ना बहुत ऊंचाई में है, इसीलिए ये देखिए कितना अच्छा लोकेशन है, आगे नदी है, समंदर है, ये यहाँ से आपको ना ये पर जंगल भरा देख रहा है, ये जंगल का पूरा जंगल एरिया है, तो ये व्यू आपको मंदिर के पास से देखने मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये जगह अगर थोड़ा सा अच्छा बन जाए तो घूमने के लिए मज़ा आ जाएगा। दोस्तों उड़ीसा का सबसे बड़ा पर्व है एक राज्य संक्रांति, और राज्य पर्व 3-4 दिन तक चलता है, तो वो जो गण पर्व है उड़ीसा का, उस पर्व वो फेस्टिवल में और यहाँ पर बहुत सारे लाखों लोग आके रहते हैं। और ये एरिया की जो आसपास देख रहे हैं, जितना जगह देख रहे हैं, कहीं भी आपको खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह यहाँ पर टेंट होता है और लोग 4 दिन तक इधर रहते हैं, 3-4 दिन तक रहता है। इतना यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेला लगता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट है ब्रह्मगिरी एरिया में आसपास, तो सरकार की तरफ से बहुत सारे बंदोबस्त बनाया हुआ है पिकनिक के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी दुकान भी है,
तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा ज़रूर, और अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल बटन आप प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ।